हाय, मैं हूँ सरबजीत कौर और मेरे चैनल स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग पे फिर से आपका वेलकम है। आप लोगों के बहुत सारे प्यार और बहुत सारे व्यूज के जरिए मेरा चैनल आज मोनेटाइज हो चुका है और मैंने सोचा कि एज ए ग्रेटिट्यूड जेस्चर मैं आप लोगों के लिए मंथली टैरो रीडिंग्स अपलोड करूंगी अब से। ये एक जनरल रीडिंग है तो जरूरी नहीं है कि हर कोई इससे कनेक्टेड फील करे, हर कोई इससे रेजोनेट करे। तो अगर आप इससे कनेक्टेड फील करते हैं और रेजोनेट करते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सो जेमिनी, ये रीडिंग है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ मे और मैं कार्ड्स शफल करूंगी। रीडिंग फॉर जेमिनी फॉर द मंथ ऑफ मे, गाइडेंस फॉर जेमिनी फॉर द मंथ ऑफ मे, गाइडेंस फॉर द जेमिनी। मैं इस डेक में से तीन कार्ड्स पुल करूंगी। पहला कार्ड मंथ के पहले 10 दिनों का होगा, दूसरा कार्ड मंथ के दूसरे 10 दिनों का और तीसरा कार्ड मंथ के बाकी दिनों का। और ये रीडिंग मेरे लिए स्पेशल है सभी राशियों में से, क्योंकि मैं खुद एक जेमिनी हूँ। तो देखते हैं कार्ड्स। ओके, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स जहां तक मैं कनेक्ट कर पा रही हूं, क्योंकि हर टैरो रीडर की कनेक्शन डिवाइन के साथ अलग है, इंटरप्रिटेशन अलग है, सभी का कार्ड्स का मीनिंग एक समान नहीं होता। तो मुझे जहां तक मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स जो है, आप अपने स्किल्स को गैदर कर रहे हैं। अभी तक आप बिखरे हुए थे, आपको मालूम तो था कि आई कैन डू समथिंग रियली गुड, मैंने कोई चीज करनी है लाइफ में बड़ी, मैं किसी चीज के लिए पैदा हुआ हूं या हुई हूं और कुछ बड़ा करना है मुझे लाइफ में। और मैं जानता हूं कि आई विल बी हैविंग सो मच फेथ, सो मच मनी, ये सब है मेरी जिंदगी में और मुझे कुछ बड़ा करना है, लेकिन करना क्या है आपको ये मालूम नहीं था। और फाइनली कुछ आपके कुछ प्लैनेट्स चेंज हुए हैं, कुछ आपका वक्त बदला है, आप अब उन स्किल्स को गैदर कर रहे हैं कि एक्चुअली मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है और सबसे ज्यादा अच्छा किस फील्ड में मेरी प्रेजेंटेशन सबसे अच्छी रहेगी, मेरी मेरा एक्सपीरियंस किस फील्ड में है, मुझे नॉलेज किस फील्ड की सबसे ज्यादा है। तो आप कुछ करना चाह रहे हैं, आप अपने स्किल्स को गैदर कर रहे हैं, नॉलेज को गैदर कर रहे हैं, पैसा गैदर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। हो सकता है आप कोई स्टार्टअप जो है उसके लिए सोचें कि कुछ छोटा बिजनेस किया जा सकता है, कोई स्टार्टअप किया जा सकता है, कुछ नया क्रिएटिव किया जा सकता है। पार्टनरशिप के बारे में आप सोच सकते हैं कि शायद पार्टनरशिप में कुछ किया जाए तो शायद वो फलेगा। तो इस तरीके की कई सारी चीजें माइंड में हैं। आप ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप जो आपके जो खुद के स्किल्स हैं, मतलब उसके लिए आपको बहुत ज्यादा किसी की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा ट्रेंड हैं, आपका जो कई सालों से आप करते आ रहे हैं, चुटकी बजाते आप कर लेंगे, उस स्किल को आप अपार्ट फ्रॉम योर जॉब मोनेटाइज करना चाह रहे हैं। आपके अंदर कुछ, जैसे सपोज किसी के अंदर बोलने का बहुत अच्छा स्किल होता है, कोई कहीं पे एंकर है या कोई कहीं पे मान लीजिए टीचर है, तो कोई टीचर बहुत अच्छा बोलता है, अपनी क्लास में बहुत अच्छा पढ़ाता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, लोगों के साथ बोलते बहुत अच्छे हैं, जुबान के धनी है। तो वो अब चाहेंगे कि क्यों ना इसको अपार्ट फ्रॉम माई प्राइमरी जॉब प्लेस, अपार्ट फ्रॉम माई प्राइमरी ऑक्यूपेशन, मैं इसको कहीं और यूज करूं तो मुझे जो है वो और पैसे मिल सके, मेरा और फेम हो सके, मुझे और अच्छा लगे। इट्स नॉट ओनली अबाउट द मनी। तो आप लोग वो चीज करने के लिए अब सोच रहे हैं, सोच ही नहीं रहे, आपने करना स्टार्ट कर दिया, एक तरीके से आपने उसको एक्शन लेना स्टार्ट कर दिए कि दिस इज हाई टाइम, आई एम डन, मेरा मेरे जो स्किल्स हैं वो वेस्ट जा रहे हैं
और उन लोगों के लिए वेस्ट जा रहे हैं, उन लोगों को मैं अपना टाइम दे रहा हूँ या दे रही हूँ जो शायद वैल्यू नहीं करते इन चीज़ों को, मेरा टाइम क्यों ना मैं अपने स्किल्स को मोनेटाइज करने में लगाऊं। और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, इन द मिड ऑफ द मंथ ऑफ मे बहुत अच्छी खबर है, अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं आपकी यूनियन के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट हो सकता है, आपकी लाइफ में कोई आपको मैरिज प्रपोजल दे सकता है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, बच्चे के लिए सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। और एक हैप्पी फेज लाइफ में ये आपकी इन कोशिशों की वजह से हो सकता है, जो अभी मैंने बताई, इन कोशिशों की वजह से हो सकता है आपको कुछ फायदे मिलें जिससे आपकी फैमिली लाइफ बहुत एनरिच होगी, बॉन्डिंग बढ़ेगी फैमिली में। अगर ऑलरेडी मैरिड हैं, बच्चे हैं, बॉन्डिंग बढ़ेगी आपस में, अच्छा टाइम आप लोग स्पेंड करेंगे, एक अच्छा वक्त जो है मिड ऑफ मे आपके लिए लेकर आ रहा है। सो इंजॉय कीजिए उस वक्त को, उसको जाने नहीं दीजिए। अप डाउन लाइफ में लगे रहते हैं, लेकिन जब अच्छा वक्त आए उसको इतना इंजॉय कीजिए कि जब बुरा वक्त आए, जो कि आना ही है क्योंकि फिर अच्छा वक्त आना है, तो जब बुरा वक्त आए तो उस वक्त में वो अच्छे वक्त की यादें हों और वो हमें जो है कोप अप करने में मदद करें। और अगला और लास्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो जो पैसा आप कमाएंगे ना, आप अपने स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं या कुछ भी है, आपको ऑल ऑफ अ सडन मनी मिलेगा, आपको एक झटके से आपको मनी मिलेगा, और उस मनी को मैनेज करने के लिए आपकी लाइफ में कोई एक बड़े एज की फीमेल आपको मदद करेगी। और जरूरी नहीं है बड़ी एज की ही फीमेल हो, ये छोटी एज की भी फीमेल हो सकती है, लेकिन एज वाइज आपसे ज्यादा समझदार हो, उन्हें नॉलेज ज्यादा हो मनी को कैसे मैनेज करना है। तो आपकी लाइफ की एक फीमेल, मैच्योर फीमेल मैं कहूंगी, उम्र को अगर हम साइड में भी कर दें तो मैच्योर फीमेल आपको मदद करेगी आपके मनी अफेयर्स में, आपको सलाह देने में, आपके स्टार्टअप में, आपके लूप होल्स बताने में। एक फीमेल अगर आपकी लाइफ में कोई है, कोई दीदी है, फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, हूएवर शी इज गोना हेल्प यू आउट, तो आप जरूर उनसे सलाह लें, और अगर आपको वो सलाह अच्छी लगे तो उसको फॉलो भी करें। तो कुल मिला के मुझे अच्छा मंथ लग रहा है, मंथ ऑफ मे जेमिनी के लिए अच्छा जाने वाला है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पे है कप्स ही कप्स, नाइन ऑफ कप्स है, और बहुत स्टेबिलिटी है आपके लिए आने वाले दिनों में, एक स्टेबिलिटी, और आपको हर चीज मिलेगी, फेम, पैसा, प्यार, हेल्थ, एवरीथिंग इज देयर फॉर यू, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही उठ के कहीं से मिल रहा है, ये आप ही के किए हुए एफर्ट्स हैं जो अब मैनिफेस्ट हो रहे हैं। आपने एक डेडिकेशन रखी, धीरज रखा आपने, कई चीजों से डील किया, कई लोगों से डील किया आपने, बहुत धीरज दिखाया, धीरज का फल मिलने का वक्त अब आ गया है। तो एक हैप्पी मंथ है मंथ ऑफ मे फॉर जेमिनी, और मैं भी खुश हूं ये सुन के। तो अब आपके लिए एक एंजल मैसेज ले लेते हैं। मैसेज फॉर जेमिनी मंथ ऑफ मे, स्टार फैमिली, यू आर पार्ट ऑफ अ टीम ऑफ सोल्स, कॉल इन सपोर्ट। बहुत ही अमेजिंग कार्ड है, मैं मजा आ गया मुझे ये कार्ड देख के। मैं एक वीडियो बनाऊंगी जल्दी ही जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि सोल फैमिलीज क्या होती हैं, जरूर वो वीडियो देखिएगा सभी लोग, सिर्फ जेमिनी नहीं, सभी लोग वो देखिएगा। तो अपार्ट फ्रॉम दिस फिजिकल फैमिली विच वी हैव ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, हम लोगों की सोल फैमिली होती है, और वो सोल फैमिली अलग अलग सोल्स हैं जो हमें लाइफ लेसन सीखने में मदद करते हैं। तो आंखें बंद कीजिए, मेडिटेट कीजिए, आपको जो आइडियाज आ रहे हैं, जो आप करना चाह रहे हैं, नया आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसमें आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज एज ए कलेक्टिव एनर्जी, एज ए कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, हम लोग सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो मेडिटेट करें, सपोर्ट मांगे डिवाइन से, आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो सोल फैमिलीज हैं, वो आएंगी आपकी मदद के लिए। आप कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके कनेक्शंस बनेंगे, लोग मिलेंगे आपको। प्रेयर्स कीजिए, मेडिटेट कीजिए,
और सपोर्ट मांगिए डिवाइन से। आपको कहीं पे कुछ परमिशन चाहिए, लोग आपको सपोर्ट करेंगे। कहीं पे आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, लोग आपको ठीक लोगों से मिलवाएंगे जो इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको ब्रांडिंग करवानी है तो आपको अच्छे सोशल मीडिया मैनेजर्स आपको मिलेंगे, या मतलब आपको अच्छा कूरियर वाला चाहिए। तो इस तरीके से जो जो चीज़ें मिला के आपका बिजनेस बनाती हैं, या आपका कोई भी आइडिया जो आप मोनेटाइज करना चाह रहे हैं, उसके लिए जो आपको सपोर्ट चाहिए वो आप तक खुद चलकर पहुंचेगा। आपको जस्ट एक कॉल करने की देर होगी कि आई नीड हेल्प फॉर दिस, जानते हो किसी को, तो एक के बजाय आपको 10 ऑप्शंस पहुंचेंगे। तो जो जितना मुश्किल अभी लग रहा है ये मैनिफेस्ट होना, वो इतना मुश्किल है नहीं। तो जरूर ये सपोर्ट आपके लिए जस्ट तैयार बैठा है, यू जस्ट हैव टू कॉल इन। बैठे प्रेयर में, बैठे मेडिटेशन में बैठे और कॉल इन करें डिवाइन एनर्जी को, उनको बोलें कि मेरी मदद करें, आप हायर पावर हैं, आप एक स्ट्रीम हैं जो निरंतर बह रही है और आपके पास अथाह इतना कुछ है देने को जो कभी कम नहीं पड़ता, आप मुझे भी दीजिए उसमें से। प्रेयर करें, प्रेयर्स ही सुनी जाती हैं। ऑलवेज प्रेयर कैन चेंज योर बैड कर्मा, प्रेयर कैन चेंज एवरीथिंग। कुछ भी प्रेयर से ऊपर नहीं है, कुछ भी डिवाइन से ऊपर नहीं है। अगर कोई मुश्किल आ रही है, इफ़ यू कॉल इन फॉर हेल्प, हेल्प विल कम। तो ये थी जेमिनाय की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मे। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में ही बेल आइकन जो बना हुआ है उसको प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि अगर मैं कोई सरप्राइज रीडिंग डालूं या अगले महीने की रीडिंग डालूं आपके लिए तो आपको पता लग जाए। तो एंजॉय कीजिए मंथ ऑफ मे, फिर मिलते हैं, बाय।